हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ द आर्टिस्टिक वॉल। सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरी सुबह भी हुई है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। शदीद तरीन गर्मी है आज, हर जगह सिर्फ आग बरस रही है। मालूम ऐसा होता है कि हम शायद सूरज पे रह रहे हैं। और इतनी गर्मी में भी चाय पीना इज़ मैंडेटोरी, क्योंकि दिन का आगाज़ नहीं होता। इसके अलावा इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने अपने लिए फ्रूट्स काटे हैं, जो कि मैं बहुत कम खाती हूँ, मगर जब खाती हूँ तो फुल एस्थेटिक वाइब के साथ। और इसमें जो है मैंने तीन चीज़ें डाली हैं, और ये मेरे हस्बैंड इसमें से कैलोरीज़ को कम करते हुए, बिकॉज़ आपको पता है मैंगो में बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल इन गुड स्पिरिट्स, कोई बात नहीं। क्या हुआ कि मैंने सुबह ने कहा क्या, तो क्या हुआ, इसके बाद मैंने अपनी फेवरेट चाय पी। और ये छोटा कप मेरे हस्बैंड का है और ये बड़ा वाला कप मेरा है। और इतनी मैं गरम गरम चाय पीती हूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी चाय फिनिश की। और इसके बाद मुझे ख्याल आया कि आजकल तो हम अपनी हड्डियों का कुछ ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आवाज़ आ रही है मेरी नींद में से, तो इट्स बैड। तो मैंने कैल्सी पी, कैल्सी का ही ऑरेंज फ्लेवर है, मंगवाया मैंने कोका कोला फ्लेवर था, मगर जो चीज़ मंगाओ और वो आ जाए तो क्या ही बात है। खैर, ख़त्म तो इसको भी करना था, तो हमने ये निकाल ली ठंडे पानी में, हल्का ठंडा पानी था उसमें डाली, इसको फुल डिसॉल्व किया। और इसके बाद जो है इसको हम कंज्यूम करेंगे। इसको आप ही नहीं पीते, फुल प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए और सरफेस पे ये आ जाए ना इसका ये पूरा, इसके बाद इसे कंज्यूम करते हैं। तो खैर ये भी इतना बुरा नहीं था, बट कोका कोला ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके बाद हम जो है बाहर आए, तो देखा कि हस्बैंड जो है जानवरों के पास थे, और उनकी खूब खदमत चल रही है, सफाई चल रही है, और बकरी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद थोड़े बहुत घर के काम थे वो निपटाए, और फिर हमने खाना खाया। खाना बिल्कुल सिंपल बनाया था, आज बिल्कुल कुछ फैंसी बनाने का मूड भी नहीं था, दिल भी कुछ स्पाइसी खाने का नहीं चाह रहा था, तो सिंपल दाल चावल बनाए विथ सैलड। और सैलड में भी कुछ मिर्ची वगैरह नहीं डाली, सिर्फ लेमन एंड सॉल्ट डाला है। और उसके बाद हमने ये आराम से अपना लंच किया है। और बाज़ों का सिंपल लंच भी खाना चाहिए यार, आने तो वाली है ही, तो हमने सोच रहे हो खूब सिंपल खाएं। इसके बाद जल्दी से फिनिश करके हाथ के हाथ फिर धो के रखी, बिकॉज मैस नहीं क्रिएट करना। उसके बाद शाम में मैंने ये फालसी का शरबत बनाया था, इसको मैंने फर्दर आउट किया है। फाइबर के साथ खाना ज़्यादा अच्छा होता है, मगर फालसी का फाइबर ना बर्दाश्त नहीं होता, तो इसको मैंने छान के बनाया है और बहुत डिलीशियस होता है ये, बहुत मज़े का होता है। इसके बाद मैंने छोटा मोटा आर्ट अटैम्प्ट भी किया, बिकॉज मैंने सोच रही थी कि कुछ ना कुछ रोज़ाना करना चाहिए जब सारी सप्लाईज़ मौजूद हैं और कभी फ्री टाइम भी होता है, तो वाई नॉट। तो ये एक फेदर्स मैं उन्हें बनाने की कोशिश की है, और ये मैंने स्पीड में इसलिए लगाया कि वरना तो लंबा ही इतना ब्लॉग हो जाएगा आधे घंटे का। तो खैर ये मैंने जल्दी जल्दी से इसको किए हैं। इसमें कलर्स बिल्कुल इम्पल्सिव पेंटिंग है ये, इसमें मैंने कुछ नहीं सोचा था, ना मैंने ब्रश स्ट्रोक्स के बारे में कुछ सोचा है, कैसा बनाना है क्या बनाना है, हम जस्ट गो विद द फ्लो वाला सीन है। और ये बस जो भी कलर मुझे मिलता गया मैंने ये बनाती गई, और मैं इसको लास्ट में फ्रेम में लगाऊंगी, और फिर आप देखिएगा कि कैसा लगता है। और गोल्डन डिश तो लाजमी देना है। इसके बाद ये मैंने आपको फ्रेम में लगा के दिखाया है, ठीक लग रहा है मेरे ख्याल में। और ये आज का व्लॉग था, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।